लाइफ में मोटिव क्या है? मेरी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है बिकॉज़ आई वेक अप विद द पर्सन हु आई लव. सही लोग होने से भाड़ में है यार, फालतू लोग सही लोग. अरे मेरे डिपार्टमेंट के एक बंदे की शादी हो गई है. वो अच्छा. हां लाइफ में अगर उसको आगे अपग्रेड करना है कोई जॉब स्किल में तो आईटी वाले हेल्प करेंगे, सच में करेंगे भाई. हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल. तो ये जो वीडियो तुम देखने जा रहे हो ये एक बहुत ही कैंडिड कन्वर्सेशन है मेरे नरेंद्र और निशांत के बीच. नरेंद्र इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी एंड ये वो बंदा है जिसको मैं बहुत ज्यादा एडमायर करता हूं क्योंकि मैं तो कम से कम प्लेसमेंट में बैठा था क्योंकि आई वाज नॉट श्योर एंड बहुत सारी अलग बातें हैं बट इसमें इतना गट था कि ये प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं एंड ही चोज फिल्म मेकिंग ओवर एवरीथिंग एंड इज डूइंग फुल टाइम फिल्म मेकिंग नाउ एंड साथ में यूट्यूब भी कर रहा है. तो ही इज ग्रेट, आई रियली एडमायर हिम. एंड दूसरा बंदा इज निशांत जिसने कि प्रॉपर इतना ज़्यादा हसल किया लाइफ में. लाइक यूट्यूब तो कर ही रहा है साथ में ही इज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट. मतलब कुछ लाइक बहुत ज़्यादा लाइक 40 लाख एंड ऑल CTC इसका पैकेज एंड ऑल है. तो काफ़ी टैलेंटेड ये भी. तो ये एक बहुत ही कैंडिड कन्वर्सेशन है. आई एम श्योर कि तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगी. बहुत फन बातें भी हमने की हैं लाइफ के बारे में एवरीथिंग. सो चेक आउट द वीडियो टिल दी एंड. इसके अलावा बिफोर वी स्टार्ट द कन्वर्सेशन लेट मी टेल यू दैट एन अकेडमी हैज़ कम अप विद दिस न्यू बैच. इट्स कॉल्ड एक्सेल बैच. ये 15 सितंबर से शुरू होने वाला है एंड इसके बहुत सारे फीचर्स हैं. अगर तुम प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तुम इन बैचेस को लाइव तो देख ही सकते हो जब उनकी क्लासेस चल रही होती है. तो तुम उसके बाद इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हो. साथ में तुम रेज हैंड फीचर का यूज़ करके क्लास के बीच में लाइव तुम डाउट्स पूछ सकते हो. तो इट्स ग्रेट क्योंकि कोविड के टाइम पर घर से पढ़ना इज सो टफ. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. इसके अलावा अगर तुम अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो तो 17 सितंबर से पहले ले लेना क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो इस वीक वो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी दे रहे हैं. तो अगर तुम मेरा कोड नोवा फैन यूज करते हो तो तुमको 10% प्लस 10% डिस्काउंट मिलता है उनके सब्सक्रिप्शन पे. साथ में भी जस्ट मेंस का रिजल्ट आया था 2021 का. बहुत सारे अकेडमी के लर्नर्स ने फोड़ा है, चीरा है, काटा है, गारा है. तो इट्स ग्रेट, इट्स रियली ग्रेट. तुम भी इनके जैसे फोड़ सकते हो, चीर सकते हो. जस्ट कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड लेट्स मूव ऑन टू द कन्वर्सेशन. चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सी यू सून. लाइफ में मोटिव क्या है? मेरे लाइफ का मोटिव, मेरे लाइफ का मोटिव है खुश रहना यार. अरे सेम. जो कर रहे मजा आना चाहिए एंड मैं हेटर्स को बहुत एडमायर करता हूँ. अच्छा. इन जनरल ऐसे कह रहा हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो मोटिव मुझे मिलता है ना कई बार इट्स नॉट अ गुड थिंग दो. ठीक है, बिकॉज तुमको मोटिव के लिए तुमको तुम्हारे नफरत करने वाले चाहिए तो इसलिए कौन सा अच्छी बात है. बट जब वो कह देता है ना कोई कि यार ये तो तू नहीं कर पाएगा. अभी जो डाउटर्स होते हैं कि अरे ये क्या हीरो बन रहा है, इस वीडियो पे तो व्यूज नहीं आ सकती, गाना पे व्यूज नहीं आएगा वगैरह कुछ भी. तो फिर तो आई एम लाइक कि अब तो छोड़ देंगे, अब तो पक्का आएगा. तुमने बोल दिया इसलिए. अच्छा. तो ये मेरे साथ दैट्स द लाइक दैट्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू टेक इट. मतलब लाइफ में सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है, वही डिफाइन करता हाउ यू आर लिविंग द लाइफ. या तुम बताओ तुमने कैसे हेटर्स को डील किया? आई डोंट डील. यू डोंट हैव हेटर्स? आई थिंक आई हैव. मतलब मेरे ऐसे कॉलेज फ्रेंड्स थे जो कन्फेस किए मुझे यार दूसरे नहीं हेटर नहीं. Okay. मतलब वैसे तुम्हारे पे जॉक्स बनाते हैं, हंसते हैं अपने हॉस्टल में, दूसरे हॉस्टल में कि ये क्या है अपना हैंडल. जैसे मैं भी फर्स्ट ईयर में ही मेरा नाम नरेन राज से था इंस्टाग्राम, मैं चेंज करके नरेन फोटोग्राफी कर लिया. मुझे फोटोग्राफी परस्यू करना था, वाज़ इनटू दैट, आई वाज़ मेकिंग अ पेज. तो बहुत लोग ये क्या फोटोग्राफी लगा लिया भाई अपना नाम. मतलब तुम सोचो तुमने सिर्फ फोटोग्राफी लगाया, मैंने तो पूरा ऐसा वर्ड लगाया ना, मतलब है ना कोई माँ बाप है. डाउन द लाइन 2 साल बाद वही लोग बोलते हैं यार क्या आज क्या नाम बुरा भी लगता है और मतलब अच्छा भी लगता है कि हम ऐसा कर रहे थे वो अच्छा नहीं लगता, बट तू इतना अचीव कर लिया. वो देख के अंदर से फिर लोग मैच्योर भी होते हैं ना. आई थिंक जब भी आप कॉलेज या कहीं भी जाते हो स्टार्ट एक एज होता है जहाँ पे यू टीज. मतलब इट्स नेचुरल थिंग आई थिंक. क्योंकि जब भी मैं जैसे IIT निकाला था तो मेरे बैच से कोई निकाला नहीं कोचिंग में. सेम सेम. तो फिर वो लोग भी ऐसा कहीं ना कहीं हेट करते थे तुम्हें या कि ये कैसे चला गया यार. मतलब ये तो चिल भी करता था, पार्टी करता था, ये IIT कैसे निकाल लिया, बहुत क्वेश्चन करते हैं लोग. बट आप ये देखो ना कि ऐसे 15 लाख बच्चे हैं, 10,000 निकाल रहे हैं, बाकी 14 लाख क्या पागल है. तो आप किसको हेट करोगे यार? वो कम्युनिटी बनानी ही नहीं चाहिए आई थिंक. अगर आपके बैच से किसी एक का होता है, बाय चांस आपका नहीं हुआ, तो आपको खुश होना चाहिए. चलो कोई जान पहचान का हुआ, किसी अपना का हुआ. कल को आप दूसरे कॉलेज से भी जाओगे तो आई थिंक जैसे निशांत है वो दूसरे कॉलेज से, बट नाउ सिंस ही हैव कनेक्शन विद IIT पीपल, लाइफ में अगर उसको आगे अपग्रेड करना है कोई जॉब स्किल में तो IIT वाले हेल्प करेंगे, सच में करेंगे भाई. That connection matters. हम तो नहीं करेंगे. हम तो करेंगे ठीक है. ठीक है. But कहीं ना कहीं connections help. So connections तो definitely help यार. मतलब इसमें तो कोई doubt ही नहीं यार. बता मैं क्या help करने वाला हूँ मैं. एक deal ले लो यार. हो गया यार. Coding Ninja से बात कराऊँ बिल्कुल. New sponsor.
हाँ अभी आपको हेल्प हुआ नहीं? वो हम इस वीडियो में नहीं बता रहे वो तो मतलब रह ही जाता तो बस वैसा ही है वो एग्जीक्यूट होकर तब पता चलेगा हो जाएगा एग्जीक्यूट तो वो मुझे हेल्प किया एग्जीक्यूट हुआ हम तुम्हें हेल्प किए वो भी होगा और अगर जो नेगेटिव हुआ ना और अगर पॉजिटिव हुआ तो कमीशन नेगेटिव हुआ तो मैं दूसरा तुमका बहुत टेंशन रखता हूं पता है कंपनसेशन के लिए फुल जुगाड़ इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद पीपल बस बस था सही लोग होने से भाड़ में है यार फालतू लोग सही सही तो होने चाहिए लाइफ में बस उस पे फोकस करो और यार मतलब एक चीज और है कि ट्राई सब चीजें करनी चाहिए मतलब ट्रू अगर तुम कोई चीज ट्राई नहीं करोगे तो डेफिनेटली तुम कभी उस चीज में सक्सीड ही नहीं कर पाओगे ट्रू और ऐसे मुझे लाइक लोग मेरे से पूछते हैं कि मुझे नहीं पता मेरा पैशन क्या है क्योंकि तुमने इनफ चीजें ट्राई नहीं की exactly. तुमने बचपन बस सिर्फ पढ़ाई में बिताया जब से मैंने भी बिताया था क्योंकि कई बार तुम ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं पॉसिबल नहीं होता आई एम श्योर कि तुम्हारे साथ वो यार वो तो मिडिल क्लास फैमिली में सबके साथ ही मेरे हिसाब से 90% ऑफ द जनता के साथ यही होता है कि तुम पढ़ रहे होते हो टिल यू आर 18-19 जब तक तुम किसी कॉलेज में नहीं जाते तुम बस पढ़ रहे होते हो क्योंकि तुम्हें वो अचीव करना होता है एंड वो अचीव करने के बाद तुम जैसे वही लोग बोलते हैं आईआईटी में आ गए तुम ये क्यों कर रहे हो अगर भाई मुझे पता ही नहीं था मुझे बचपन में सिर्फ पढ़ाई बताया गया था तो मैं बस सिर्फ वही कर रहा था एंड मैं उसको अच्छे से कर रहा था तभी मैं यहाँ पे आ पाया एग्जैक्टली मतलब वो कुछ गलत नहीं है मेरे हिसाब से कि अगर आपने 18 तक ठीक है हम ऐसे ही जगह पे थे आई मतलब मेरे हिसाब से लाइफ में ना कंप्लेन नहीं करना चाहिए एक्सक्यूजेस नहीं बनाना चाहिए प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए yeah. मैं yeah. बोलता हूँ तो जो था वो था नाउ जहाँ पे आप पहुंचे हो yeah. वहाँ पे आप एक्सप्लोर करो ना yeah. जब भी लाइफ मिले मतलब केएफसी का स्टोरी जो है कि वो सक्सेस 60 साल की उम्र में ओल्ड एज में पाया व्हेन एवर यू गेट द चांस टू एक्सप्लोर व्हेन यू स्टार्ट नोइंग योर सेल्फ गो एंड परस्यू इट देयर इज नो बैड टाइम टू यू नो परस्यू व्हाट यू वांट टू लव लाइक व्हाट यू लव तो ऐसा ही है सही है व्हाट यू लव नरेन I love people. And who you love, Narendra? I love you, bro. I love them. वो सब तो diplomatic answer. Yes. वो सब तो ठीक है. I'm single. मुद्दे की बात नहीं आओ. I'm single. Why are you single? I don't know. अच्छा single. क्या reason है Narendra? क्या तुम्हें तन्हाइयाँ feel नहीं होती? नहीं यार. भाई लोग हैं ना. अपने बस चल करते हैं अंदर ऐसा ठीक है. कहाँ घुस रहे भाई? दो तो रखनी नहीं चाहिए यार कभी नहीं करती अच्छा एक है चलो भैया हमारा हो गया और आपकी भाई तुम क्या चलते क्या आपका बताओ क्या सीन हम तो वेट फॉर द नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो अच्छा उसी में रिवील हो रहा है पूरा लव स्टोरी पूरा नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो इज द ओनली थिंग गाइस वेटिंग गाइस मतलब मैं मुझे प्रीव्यू दिखा दो यार दोस्तों हमें पहले बिहाइंड द सीन्स और थोड़ा भी शूट नहीं हुआ है फिर भी स्टोरी गाना तो गाना सुन हम गाना सुनेंगे सॉन्ग का नेम इज होपफुली तेरा नशा हां वो ओके समझ गए अच्छा आप समझ गए हम कहां जा रहे हो आप समझ गए कहां जा रहा हूं तेरा नशा किसका नशा है वो पता चलेगा ऑडियंस को किसका नशा तुम बताओ किसका नशा है पता नहीं ओके नरेंद्र तुम कहाँ से बिलोंग करते हो वैसे और हम हैं झाझा से तो रघुआ समझता नहीं हम भी पूछते पारी ना अरे ये बंगाली बोल रहा है हाँ मेरे को बंगाली आती है अच्छा 11 साल एक बंगाली स्कूल में पढ़ा था रामकृष्ण मिशन अच्छा जी तो हम हैं बिहार से झाझा नाम का एक छोटा सा गाँव है हमारा कितना छोटा अब एरिया स्क्वायर नहीं है बट इतना छोटा कि तुम्हें नहीं पता था उसे भी नहीं पता था बिना बताए और ये पटना हावड़ा मेन लाइन पे आती है तो वहीं से हम अपने 10th तक की पढ़ाई की है शिक्षा दीक्षा वहीं हुई है शिक्षा दीक्षा वहीं हुई है उसके बाद हम पटना गए अपने बिहार में ही रहे वहीं पे जेई की तैयारी की है उसके बाद सीधा कौन से पहुंचेंगे मैं एक रेंडर्स क्लासेस जो एग्जिस्ट नहीं करती उसमें 11th कर रहा था स्टार्टिंग में फिर मुझे पता नहीं कि ये इतना प्रॉब्लम हो जाएगा हालांकि अरे होता क्या था कि कुछ भी क्लास में हो ना नरेंद्र तुम समझाओ नरेंद्र तुम बताओ काफी बहुत इंटेलिजेंस है वो
वहां पे था मैं मतलब okay. फिर मैं दूसरे कोचिंग में गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ okay. वहाँ छोटा कोचिंग था 60 लोग का बैच था तो उसमें हाँ टॉप 3 में रहता था मैं हमेशा तो वहाँ पे प्रेशर ज्यादा था विच वॉज गुड लाइक लेटर ऑन आई रियलाइज आई वॉज नॉट वेरी मेच्योर देन तो मैं दूसरे कोचिंग में गया जहाँ पे मैं लो की होकर अपना साइड में पढ़ रहा हूँ इतना कुछ मतलब नहीं है तो मुझे वो भी पसंद था कि अपना एक पीस ऑफ माइंड मिले जो मतलब अडाप्ट करना जो टीचर पढ़ा रहा बाकी अपना काम करना तो मैं मेंटल सेट सब में था और जो टीचर मुझे पढ़ा रहे थे वो भी अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे वहाँ वो अपना एक नया कोचिंग ये वीडियो जिसने बनाया उसके बाद हम भी भाई क्या चल रहा है तुम्हारा इसका पुराने कोलैब्स का कांटेक्ट निकालो भाई चेक करो नहीं वो भी कहाँ है नहीं है नहीं अगर कोई ट्रैक करना चाहता है मैं किससे पढ़ा फिर मैं आईटी निकाला तो मतलब बहुत मुश्किल काम है वो मत करो मतलब सब जहाँ पढ़ते वहाँ से निकालो ये भी अच्छा तरीका हो सकता है वैसे लास्ट कोलैब इक्लिप्स नोवा निशान इसके बाद हम गायब हमारे व्यूज तो यही ले जाएगा भाई भाई भाई। नहीं यार ऐसे कोई को नहीं आप क्या करते हो मैं क्या करता हूँ मैं तो ऐसे ही यार बस वीडियोज वगैरह कैमरा उठा के मुसाफिर आदमी है कैमरा लेकर निकल पड़ता है कैमरा मेरा है ओके अरे मेरे डिपार्टमेंट की एक बंदे की शादी हो गई है वो अच्छा हाँ राजस्थान का है मेरी स्कूल की गर्लफ्रेंड की शादी हो गई एक्स आई मीन ओके अब पत्ते खुल रहे हैं अब राज खुल रहे हैं एक्स की बातें कर रहा हूँ अच्छा तुम सैड फील कर रहे हो नहीं बहुत ज्यादा सैड चन्ना मेरे यहाँ गाया था कि नहीं गाया इनवाइट ही नहीं आया यार किससे तुम्हारी नजदीकी होगी कम है ज्यादा है तुम बता रहे मैं हम ये वीडियो अपलोड भी करेंगे डेफिनेटली करेंगे तुमको क्यों लग रहा है कि मैं अपलोड नहीं करेंगे आई डोंट नो व्यूअर्स आपको मजा आ रहा है ये देख के कमेंट डाउन कमेंट डाउन कमेंट बनाते हैं कमेंट बनाते हैं आपकी लव लाइफ क्या चल रही है मेरी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है बिकॉज़ आई वेक अप विद द पर्सन हु आई लव दैट्स एक्लिप्स नोवा यार ये वो है भाई लोकी है भाई ये लोकी खुद से प्यार कर बैठा है खतरनाक भाई खतरनाक मतलब मैं देखा था सेल्फ ऑब्सेस्ड मैं उसके नेक्स्ट वर्ड से मिला हूं इक्लिप्स नोवा यूनिक वर्ड है अच्छा तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है लाइक इन जनरल इक्लिप्स नोवा क्या होता है जब मैं कहता हूं तुम्हारे मन में तीन चीजें क्या आती फटाक से बताओ म्यूजिशियन कॉन्फिडेंट बंदा आईआईटीन तुम बताओ म्यूजिशियन आईआईटी देना एंड अ बी बिग बिग ब्रेन एंड को ओके बिग ब्रेन को बिग ब्रेन को दादा ने स्टार्टअप इज एंड तुमको क्या पता है मेरे बारे में तो पहली बार मिला हूँ एक्लिप्स से मिलने से पहले क्या क्या मतलब होता है सबका एक परसेप्शन होता है तुम्हारा क्या था एना भी क्या लग रहा है यार मुझे जब स्टार्ट में जब हम कभी बात नहीं किए थे वो परसेप्शन ज्यादा रियलिटी लगेगा तो मुझे लगा ये बंदा मतलब काफी पहले से कर रहा है कंटेंट क्रिएशन में और ऐसे कॉमन नेम जो कुछ कनेक्ट हो जैसे मैं निशांत कनेक्ट हो रहे थे पीयूष कनेक्ट हो रहे थे तो एक्लिप्स से ऐसे सोर्स नहीं मिलता था तो उस टाइम एक टाइम लग रहा था कि शायद ये बंदा एटीट्यूड वाला होगा फिर मुझे पता चला बिहार से तो वो अपने लोग मतलब इतना फ्रेंडली थे घर छोड़ के आते थे तो फिर वो कैंसिल आउट हो गया था बट एक टाइम पे आया था कि हो सके कि ऐसे अब तो मुंबई चला गया है ना मुझे तो बस ये लगता है कि यूट्यूबर बन गया होगा काफी ज्यादा है क्योंकि यार काफी सारी चीजें एक साथ करते हाँ। हैं तो जैसे मैंने कई बार बात करने की ट्राई करी तो नहीं आते फिर अब मेरे को खुद लगता है जब कोई मेरे को टेक्स्ट करता है तो नहीं मिलता ऑनेस्टली टाइम यार बहुत सारे टेक्स्ट हो जाते हैं मिस हो जाते हैं तो मेरे को तो लगता था कि ऑब्वियसली कि यार बिजी बहुत ज्यादा है स्टार्टअप में काम करना है अपनी वीडियोस बनानी है म्यूजिक म्यूजिक की वीडियोस रिकॉर्ड करनी है तो मेरे को ही जब टाइम नहीं मिल रहा है तो इनको कैसे मिलेगा वैसा लगता था बट डाउन द लाइन ये सोचता था कि बंदा अंदर से ट्रू हार्ट वाला है और डेयर डेविल्स है हार्डवर्क मतलब हार्डवर्क तो करते ही हार्डवर्क तो मतलब अल्टीमेट हार्डवर्क मैं भी करता हूँ हार्डवर्क का क्या यार तो मैं भी करता मतलब उसमें कोई एक्सक्यूज ही नहीं होता करना ही होगा बट ऐसा था कि हार्डवर्क बहुत लोग करके भी अचीव नहीं कर पाते बिकॉज यू डोंट हैव दैट यू नो ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड आई सॉ कि ये बंदा खुद पे तो भरोसा करता है मे बी उसके फ्रेंड सपोर्ट कर रहे हैं उस टाइम एक बंदा ही सपोर्ट कर रहा हूँ आई फील हमेशा कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला होता है लाइक वी आई ऑलवेज टॉक अबाउट हेटर अभी ठीक है बट आई ऑल्सो फील अब ये शायद तुम कुदरत का करिश्मा बोल लो या भगवान चाहता है ऐसा ये बोला आई थिंक तुम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कभी ना कभी हर वर्स सिचुएशन में ना एक बंदा अचानक से निकल के कहीं से आता है जो कि हेल्प करने लगता है पता नहीं क्यों हेल्प करता है नो आइडिया लाइक कॉलेज में जब मैं सेकंड ईयर में था तो म्यूजिक वीडियो का तुमको अच्छा दिखना होता है उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं होते थे लाइक मैं एकदम अच्छे कपड़े पहनू एंड ऑल दैट तो वो एक फ्रेंड था मेरा सरोजनी है उस टाइम मुझे नहीं पता था तो वो बंदा मेरे को अपने सारे कपड़े देता
पहनने के लिए एंड ऐसा नहीं था मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था एंड ऑल बट स्टिल वो देता था पता नहीं क्यों या पीपल हेल्प आउट या पीपल या पीछे था तो ऐसा चलता है वैसे मैं भी अभी दोस्त का टी शर्ट पहन ऐसे चलता है यार लोग व्हेन यू आर गोइंग आउट है ना किसी का पहला डेट होता है तो वी गेट हिम रेडी कि हाँ भाई ये पहन मेरा जैकेट मेरा जूता इसका टी शर्ट उसका पैंट तो यू हेल्प इट मतलब इसलिए आई थिंक कि अर्निंग पीपल इज रियली मतलब मेरा लाइफ का मोटो है कि अर्न पीपल नॉट मनी नॉट जस्ट मनी अर्न पीपल नॉट जस्ट मनी बिकॉज पैसे तो आना ही है पैसा इज अल्टीमेटली नीड बट अर्निंग पीपल इज ओवर मतलब एक घुमा फिरा के जो कनेक्शंस वाली बात हमने थोड़ी देर पहले करी थी वो सच है मतलब कनेक्शन बहुत हेल्प इसको भी किया उसे भी करता हमें भी करता somehow we all grow together in a way right so yeah मेरी खानदानी है मुझे डर नहीं लगता पापा न्यूज रिपोर्टर है कैमरा के सामने ले आ जाते थे बचपन से देखते आ रहा था तो ठीक है नॉर्मल सा काम है भाई तो मुझे याद है एक स्टोरी बताना चाहता जब मेरा जेई निकला था तो हमें अवार्ड लेने मेंटर से टू से हालांकि मेरा रैंक कुछ बहुत भाव नहीं था तो बस बेसिक रैंक होल्डर तो मेंटर्स बुलाता है एसके मेमोरियल हॉल पटना का सबसे बड़ा हॉल है वो तो पूरे ऐसे 2-3 हज़ार बच्चे होते हैं बैच वाले और जो रैंकर्स होते हैं और उनके पेरेंट्स होते हैं और टीचर्स होते हैं तो जो टॉप रैंकर्स होते हैं टॉप 10 एज सच तो उनको पूरा स्पीच देने का प्रिपेयर सिखाया जाता है टीवी पे आएंगे ये आएंगे वो स्टेज पे आए और वो बोल भी नहीं पा रहे ढंग से वो डरे हुए हैं ऐसे बहुत सा नॉर्मल सा बात मतलब डिस्करेज नहीं कर रहा और हमें बस था कि तुम लाइन में आते जाओ अपना ट्रॉफी उठाओ और जाते जाओ ऐसे ऐसे सर्कल में तो मेरा जब बारी आया था लाइक सर मैं बोलना चाहता हूँ तो देन वहाँ पे ऐसे 3,000 क्राउड था टुक द माइक तो मैं काफी कॉन्फिडेंट था मैं आराम से बताया क्योंकि मेरा मेंस बहुत खराब गया था नेगेटिव मार्किंग चलते मार्क्स नहीं बताएंगे फिर लोग ऐसे बट बहुत कम मार्क्स था मेंस में इसके बाद लोग उम्मीद करते तुमसे एडवांस नहीं होगा बट आई न्यू कि मेरा मिस्टेक क्या वो सिर्फ मुझे पता था कि हाँ मैंने गलती की आई वॉन्टेड टू टेल एक्सप्रेस पीपल कि देखो अगर बाई चांस ऐसा होता है तो बी अंडर द राइट गाइडेंस वर्क अकॉर्डिंगली यू विल बी फाइन इन एडवांस ऐसा नहीं की गड़गड़ाहट ने और फिर उसके बाद मैं लिटरली स्टेज से उतरा उसके बाद ऐसे बहुत लोग बाहर आके फोटो खिंचा रहे थे मेरे साथ कह रहे भैया क्या बोले हो मजा आ गया रैंकर इधर बेचारे सोच रहे कह रहे भाई क्या लास्ट क्वेश्चन इफ यू कुड जस्ट से वन लाइन टू द एंटायर वर्ल्ड एंड लेट्स अज्यूम दैट इट्स द लास्ट टाइम यू आर सेइंग समथिंग लाइक दिस ठीक है तो क्या होगा ऐसा बड़ा क्रिकेट मैं ज़्यादा सोचना नहीं चाहूँगा तो मेरा कहना होगा कि डोंट हैव रिग्रेट्स इन योर लाइफ ट्राई टू यू नो फॉरगिव योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ फॉर व्हाट यू आर ओके निशान एक चीज़ की ट्राई एवरीथिंग यू लाइक एंड डू व्हाट यू लव मतलब जब तक तुम कोई चीज़ ट्राई नहीं करोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हें प्यार किस चीज़ से तुम्हें क्या चीज़ पसंद है तो And I'd like to say कि इन दोनों के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइज आई होप यू एंजॉयड इट मेक श्योर यू सब्सक्राइब ठीक है बिना सब्सक्राइब किए भाई गए तो फिर कुछ डरा धमका है ना अच्छी बात नहीं रहेगी कर दीजिए ना यहाँ तक अगर देख ली तो क्या जाता है अच्छा लगेगा ओके गाइस सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कमेंट्स वगैरह कर ही जाना इनके ठीक है कितना बोलूं यार पता है क्या करना है यार हर दिन यही चीज है हर दिन